ऐसा वाला लूँ या कौन सा वाला लेना है? सो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। 2 बज गया, गुड आफ्टरनून। तो अभी क्या सीन है, मैं दिल्ली से आया था कलकत्ता 12-15 दिन पहले। आके मैं एक वीडियो के काम में ऐसे जुड़ गया था। आज ऑलमोस्ट ये वीडियो का काम खत्म हो चुका है, तो अभी मैं फ्री हूँ। एंड आज हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल इंसान से, जिसे आप लोग भी जानते हो। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को पता है तो देखो दोस्तों, जुगाड़ गाड़ी साफ कर रहा है अब्बू हमारा, क्योंकि गंदा दौड़ा मैं आज वर्कशॉप में देना था, दिए नहीं यार। मैं करता हूँ, मैं ना देख रहे हो, मैं इतना दिन गाड़ी खरीदा कभी खुद साफ नहीं किया था, आज कर रहा हूँ। कितना स्पेशल दिन है आज। दोस्तों ये देखो, ये है कलकत्ता का ट्रम। ये कैसा ट्रेन है जो सड़क पे चलता है, बहुत ही मस्त लगता है। कभी चढ़े नहीं इस पे, लेकिन चढ़ेंगे एक दिन जरूर। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, अब उसका इंतजार करते हैं। क्या ट्रैफिक जाम है भाई, पार्किंग ही नहीं मिल रहा था। और हम लोग पार्क कैसे किया था, अपोजिट में उधर पुलिस स्टेशन है और यहाँ हम पार्क कर दिया ताकि नो पार्किंग का केस दे सके हम। परफ्यूम मार गाड़ी में, परफ्यूम मार पकड़ी गाड़ी में। तुमने कभी कोई लड़की नहीं देखी? कहाँ जाना है बताओ? साउथ सिटी जाना है। गेम जोन चलते हैं दोस्तों, गेम खेलेंगे, टाइम जोन, सॉरी। बॉलिंग करना आता है तुम्हें? थोड़ा बहुत आता है, मेरे को बिल्कुल नहीं आता दोस्तों। चलो गेम अच्छा जमेंगे। दोस्तों फूल दिया जाता है, फूल को हम फूल दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलो, काफी सालों बाद मैं आया हूँ दोस्तों साउथ सिटी। भाई देखो लड़कियों की चुगली चल रही है दोस्तों, मेरे को तो कैसे नर्वस लग रहा है कि ऐसे पास में आके बात करूं। ओमेगल में तो मैं बकचोदी पेल लेता हूं रियल में। हाय, बॉलिंग करने में मेरे को मजा आता यार, मस्त चीज है बॉलिंग। तुम्हें भी करना चाहिए अपने बॉल बॉलिंग का। पता है भैया क्या बोले? क्या? बॉलिंग मिलेगा 2 घंटा बाद। आज तो दोस्तों बकचोदी पे बकचोदी हो रहा है। ये तो बच्चों का है यार, ये कौन खेलता है? यही तो खेलना चाहिए हमें यार, मैं तो इतनी देर से बोल रहा था यही। बाजी बदल लिया साला। मेरे को तो लगता था ये सिर्फ आँखियों से गोली मारती है, लेकिन ये तो बंदूक से भी मार लेते हैं। हाय हाय, हाँ खेलो खेलो, तुम खेलो ना, हम तो बस देख के ही खुश है। अच्छा बैंड के 9 तक तो पहुंच ही गई। कोई नहीं, पेटल लग नेक्स्ट टाइम। चाहे धिक्कार है हम पर, रमेश बार बार गोल खा रहा है भाई, जानबूझ के हार रहा है भाई। हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं बाहर की दुनिया का कुछ नहीं देख सकता। वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ। तब तक हमारा पहले था, तो हम लोग स्टार्ट करके स्ट्राइक मार दिया पहले गेम में। आ जाओ, तुम्हारा बारी है। हाँ नीचे देखो रक्षी का, वहाँ पे एक का जगह नहीं था। जेंडर चेंज, अरे यार इंशाल्लाह बहुत स्प्लिट है। स्मॉल वाला ले तो फिर अच्छे से कर पाएगी, देखते ये क्या करती है। अरे अरे यार, पांच राउंड के बाद हमारा स्कोर है ये है, अपू 48, मैं 46, लक्ष्य का 10 और ये तीता बंगाली में 14 को की क्या बोलते हैं? क्या क्या बोला तूने? ये क्या मिलेगा तुझे? बहुत कुछ मिलेगा, चलो देखते हैं पहले ये। हाँ, और एक बीच में मारो, हो जाएगा, हो गया। अरे नहीं हुआ यार, कोई नहीं यार, देख तुझे कोई मिलेगा नहीं ये करके, तो करने का कुछ जरूरत नहीं है। अबे ओए ओए नहीं, अन्याय हो
कोई दिक्कत नहीं यार, 279 पॉइंट्स में कुछ ले पाएंगे। ओके देखते हैं भाई 279 पॉइंट्स में क्या आता है। आ जाओ। हाँ हमें बॉल मिला है दोस्तों। ऐसा वाला लूँ या कौन सा वाला लेना है? जैसा जैसा अच्छा लगे तुम्हें। अच्छा रक्षिका को मिल चुका है बॉल, हमें ये वाला। हाँ ये बढ़िया है, चलो 279 टिकट्स में यही मिलता है दोस्तों। बॉलिंग में कौन जीता? तू जीता। अच्छा बढ़िया यार। पता है हम लोग क्यों नहीं जीत पाए आज? इससे जीतने का जो मजा था उससे ज्यादा तुमसे हारने का। हाय हाय, अब तुम क्रोनोलॉजी समझो, मैं तुमसे भी नहीं हारा ना उससे जीत। दोस्तों यहाँ पे मॉल पे क्यूट क्यूट से बच्चे मिला हमारे सब्सक्राइबर्स, थैंक यू भाई। क्या करते हो आप? कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है आप चारों के साथ फोटो लेना है आपको? हाँ ठीक है आ जाओ भाई। यहाँ पे सबका आधा बर्गर हजम हो चुका है, इसका आधा अभी तक गया ही नहीं। कट कर देना प्लीज, आराम से खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। तो दोस्तों अभी हमारा हो चुका है खाना खत्म, और खाने में मैं इतना ज्यादा खो गया था दोस्तों कि मैं भूल ही गया ये भी है हमारे पास, कौन खाएगा इसे। अच्छा बातों में खो, बातों में नहीं खोया दोस्तों, आंखों में खोया। हाय हाय प्यार हो गया है आपको हमसे? जब मैं बोल रहा था इस मंथ एंड में फ्री हो तुम? क्यों क्या है? मेरे एक दोस्त का वो है, वो नया एक फार्म हाउस ओपन किया है, तो वो बोल रहा था कि वहाँ पे जाए वगैरह वगैरह, तो ऐसे थोड़ा सा मजा आएगा ना, ऐसे ट्रिप हो जाएगा थोड़ा सा। डेट बताना पड़ेगा मेरे को, काम है और मम्मी से परमिशन भी लेना पड़ेगा। अच्छा तो एक काम करो, मैं रात तक सब कुछ बताता हूँ। दोस्तों मेरे फोन का तो चार्ज खत्म होगा, इसलिए ओपू सर का फोन से हम ब्लॉग कर रहे हैं, और आप लोग यकीन नहीं करोगे ऐसा मस्त कन्वर्सेशन किया, बस फोन मेरा डिस्चार्ज हो गया, से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और रक्षिका यहाँ से चली जाएगी, उसका कुछ काम है यहाँ पे। ठीक है फिर मेरे को बताना, ठीक है वो क्या करना है। और तू कहाँ जाएगी? यहाँ आस पास में है पागल खाना, इन्हें नीचे छोड़ते फिर चलते हम भी घर। ठीक है बस ये ट्रिप में जाने के लिए हाँ बोल दे भाई, क्या लगता है दीताज हाँ बोलेगी? लगता है तो बोल दे। वेलकम प्रिंसेस। तो पूरा मेरा इंस्टाग्राम फीड लगा दिया।